चलिए तो इस क्वेश्चन को भी समझा दिए। इसमें क्या क्या बोला था आपको कि कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, जो हमने कैलकुलेट किया था 290। कैसे कैलकुलेट किए थे कि 4500 रुपये आने वाला था, जिसमें से मात्र मेरा पैसा आया था 4220। जो माइनस किए थे, माइनस करने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन था वो क्या था, हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 280, ठीक है, जिसको हम लोग फिर ऐड करके हम लोग आंसर भी निकाले थे। 4500 में 4220 आया था, जिसमें 280 था, फिर हम लोगों ने सही आंसर निकाला कि 4220 रुपये हमारे पास आया, 280 रुपये हमारा उसमें आउटस्टैंडिंग था, तो मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 4500 पक्का। इसमें डायरेक्ट आंसर भी हम लोगों ने बता दिया था कि 4500, 450 मेंबर 10,000 रुपया देंगे तो आपका फाइनली आंसर 4500 आएगा। तो एक ये निकालना है, बहुत ईजी है, जो हम पहले प्रैक्टिस में कर भी चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि बैलेंस शीट में आप लोग कैसे दिखाएंगे, सो द सब्सक्रिप्शन आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आपको दिखेगा, 280 रुपया सब्सक्रिप सॉरी 4500 रुपया करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, जो हमने यहाँ बताया था 4500 रुपया दिखेगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट में हम 80 रुपया नहीं 90 रुपया दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे बता दिए थे, रिसीव 80 रुपया हुआ है, बाकी तो 90 था, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट 90 दिखेगा। और करंट ईयर में हम 280 रुपया आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे, 290 दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 रुपया पिछला अभी भी बाकी आउट है 290, बस इसी को प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाना है। तो चलिए, तो पहला हम आपका बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं, चलिए पहला ये बनाते हैं लास्ट ईयर का, अलग तरह का क्वेश्चन है। फिर सेकेंड में बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड में बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि ये आपका हो जाएगा किस साल के लिए, ये हो जाएगा आपका 2016 के लिए और ये हो जाएगा 2017 के लिए। 2016 का आपका बनेगा सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट, 2017 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट। चलिए तो बनाते हैं, पहले 2016 का बनाते हैं, 2016। इसमें सिर्फ बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, चलिए बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इसको आप बैलेंस शीट एजेट भी लिख सकते हैं, 16 का ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज, इधर अमाउंट, इधर एसेट्स, इधर अमाउंट रुपीज रुपीज, ठीक। चलिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ दिखा दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 90। ध्यान रखिए यहाँ पर 80 मत दिखाएगा, 90 दिखाइएगा, बता दिए थे, क्योंकि 80 रुपये आया है, बाकी तो 90 था। चलिए तो एक बन गया, अब दूसरा बनाते हैं 2017 के लिए। तो पहले बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग कब का बन रहा है, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 2017। एक्सपेंडिचर अमाउंट
रुपीस इनकम अमाउंट रुपीस, यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 4500, लेकिन ये वर्किंग करके आपको दिखाना पड़ेगा 4500, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्किंग दिखाना पड़ेगा कैसे आया वर्किंग नोट वन। चलिए पहले वर्किंग करते हैं फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर 4220। ठीक है, एक्चुअली चार एडजस्टमेंट होता है लेकिन हम चार एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एडजस्टमेंट से मेरा काम चल जा रहा है, ठीक है, तो हम क्यों चार एडजस्टमेंट लिखें। अब 280, तो 280 भी कैसे आया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए उसके लिए भी एक छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा, इसमें से लेस करेंगे आउट एस सॉरी ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, बाकी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं पहले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ करंट ईयर का ही पैसा लिए हैं, इसके लिए एडवांस और आउटस्टैंडिंग लास्ट है कुछ नहीं करेंगे करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कैसे निकालेंगे इसके लिए अलग से वर्किंग भी कर सकते हैं, या सामने समझ लीजिए कि 450 मेंबर्स हैं और 10-10 रुपया देते हैं, ये देखिए 450 मेंबर्स थे 10-10 रुपया देते थे, बताए थे ना 4500, जिसमें से इतना आया इसका मतलब इतना आउटस्टैंडिंग 450 मेंबर थे, हर एक लोग 10 रुपया देते मतलब 4500 देते, जिसमें से पैसा आपका आया 4220, इसका मतलब आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 280 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 4500। चलिए तो ये भी हो गया, अब आप लोगों का खाली सब्सक्रिप्शन भी हो गया, दिखाते कैसे ये भी हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइनल आंसर। क्लोजिंग बैलेंस शीट या बोल सकते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2017, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता देते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। चलिए तो यहाँ पे हम जो दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे थोड़ा यूनिक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सिर्फ करंट ईयर का नहीं है, लास्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन 10 बाकी है, 90 था बताए थे ना 90 में, जैसे कि 10 ही 10 80 रुपया है 10 बाकी है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर क्या है 2016 के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016, कैसे लिखेंगे 90 रुपया था जिसमें 80 आ गया,
टेन करंट ईयर के लिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 280, तो इसमें दिखेगा आपका 290। इसमें बैलेंस ही टैली नहीं करेगा क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हम एक पार्ट बता रहे हैं। ठीक, चलिए तो कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कीजिए ये। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, 90 रुपये आउटस्टैंडिंग सबसे दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन 4500 दिखाएंगे, लेकिन 4500 के लिए एक वर्किंग नोट करेंगे। चलिए कॉपी कर लिए, 4500 के लिए वर्किंग नोट कर लिए। उसके बाद हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दिया, इस तरह से आपका आंसर पूरा हुआ।